आप देख रहे हैं स्वराज भारत लाइव, सच कहने का साहस। मुंगेर जिला पदाधिकारी राजेश मीणा ने 19 जनवरी को जल जीवन हरियाली नशा मुक्ति दहेज प्रथा को लेकर आयोजित मानव श्रृंखला को लेकर मुंगेर के पोलो मैदान से शुभारंभ किया। वहीं जिलाधिकारी राजेश मीणा ने बताया कि पूरे मुंगेर जिला में 240 किलोमीटर तक बनाया जाएगा। इस मानव श्रृंखला में करीब 5 लाख व्यक्ति भाग लिए। वहीं आरक्षी अधीक्षक लिपि सिंह ने बताया कि पुलिस प्रशासन की ओर से पूरे जिले में पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और सुरक्षा के ऊपर कड़ी निगरानी रखी गई। इस मानव श्रृंखला में स्कूल के बच्चे एवं विभिन्न विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी शामिल प्रयास किया है और मुझे लगता है कि हम लोग काफी हद तक इस प्रयास में सफल भी रहे हैं। स्कूल के बच्चे, जीविका दीदी, जनप्रतिनिधिगण और सभी नागरिकों के सहयोग से हम लोग अपने मिशन को पूरा करने में सफल रहे हैं और जो संदेश है मानव श्रृंखला का, जन जीवन हरियाली मिशन को इसको सफल करने का प्रयास हम लोग का है और साथ ही साथ जो समाज में कुरीतियाँ हैं, बाल विवाह है, दहेज प्रथा है, नशाखोरी है, उसके विरुद्ध सामाजिक एकजुटता को प्रदर्शित करने का मौका है। सभी लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है, मैं सभी के सहयोग के लिए धन्यवाद देता हूँ। सुबह से ही जो है हमारे जितने पदाधिकारी गण हैं वो घूम घूम करके जायज़ा ले रहे हैं, जितने भी ट्रैफिक के पॉइंट्स हैं उस पर डिप्लॉयमेंट होगा, ड्रॉप गेट्स वगैरह लगे हुए हैं और पब्लिक जो है, क्योंकि पहले से ही उसको हम लोग ने एडवर्टाइज कर दिया था, उसको जो मूवमेंट्स हैं ट्रैफिक वगैरह के, बहुत ही कॉर्डियल तरीके से उसको माना जा रहा है और माहौल बहुत ही अच्छा है और पुलिस जो है इंश्योर करेगी कि ये जो मानव श्रृंखला है ये बिल्कुल अच्छी तरीके से निकल जाए और इसमें किसी भी प्रकार की किसी को परेशानी। मुंगेर से विवेक कुमार की।